दोस्तों नमस्कार, मैं नीलम कुमार सिंह हूं और हमारे चैनल हम कहां पर हैं में ये हमारा पहला वीडियो है और इसमें आपका स्वागत है। मैं आज आपको कोरोना के संबंध में बताने जा रहा हूं। यद्यपि विगत एक वर्ष हो चुका है जिससे कोरोना ने हम लोगों को परेशान कर रखा है, यहां तक पूरी दुनिया में सभी परेशान हैं, इसने त्राहि त्राहि मचा रखी है। 20 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं, व्यवसाय उद्योग सब कुछ लगभग समाप्ति की ओर पहुंचा दिया है, वित्तीय संसाधन कष्ट में है, सारी चीज़ें पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। अब इस महामारी में किस तरह से हम बचें, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग इस पर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं, फिर भी मैं समझता हूँ कि मैं कुछ आपको बताऊँ, हो सकता है आपको कुछ उसमें नया लगे। हमें अपना व्यक्तिगत ध्यान भी रखना है और अपने आसपास का भी ध्यान रखना है, साथ में समाज का ध्यान रखना है, अपने उद्यम, अपने उद्योग, अपने व्यापारिक संस्थान, इन सबों का भी ध्यान रखना है। जब तक हम समाहित रूप से सबका ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हम नहीं रह सकते। हमने के न्यूज़ चैनल पर पैनल में रहते हुए कहा था कि कोरोना तो रहेगा लेकिन हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, हमें अपनी जीवन पद्धति इस तरह बनानी पड़ेगी कि कोरोना हमें परेशान ना कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें, सामाजिक रूप से भी ध्यान दें और अपनी गतिविधियों पर भी ध्यान दें। इससे पहले कि हम इन पर जाएं, मैं चाहूँगा कि आपको कोरोना के बारे में बता दूँ कि है क्या। हमारे पर्यावरण में हमेशा कुछ ना कुछ वायरस, बैक्टीरिया या ऐसे चीज़ें रहते हैं जो कि हमें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, कुछ फ़ायदा भी पहुँचा सकते हैं। इनको हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते लेकिन इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको हम माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देख सकते हैं। विशेष तौर पर अब से लगभग 30 साल पहले वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा गया था। सामान्यतः वायरस को अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये जीवित है या अजीवित है, मतलब लिविंग है अथवा नॉन लिविंग है, इसके बारे में संशय है। यद्यपि प्रोटीन का बना हुआ होता है जो कि हमारे शरीर को बहुत तेजी से प्रभावित करता है, इसके अंदर ये भी गुण होता है कि अपने अंदर बहुत तेजी से म्यूटेशन कर लेता है, बदलाव कर लेता है। साथ ही इसका प्रजनन का भी ये जानकारी नहीं है कि इसका प्रजनन किस तरह होता है, सामान्य जो प्रक्रियाएं हैं उनकी तरह इसका प्रजनन नहीं होता। ये जब किसी भी शरीर की कोशिका में जाता है, प्रमुख रूप से इसको मानव कोशिकाएं ज़्यादा पसंद है, मानव कोशिका में जब ये जाता है तो बहुत तेज़ी से अपने में विकास करता है, बहुत तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाता है, साथ ही साथ ये और बहुत सारे कोशिकाओं को भी संक्रमित कर देता है। ऐसी दशा में हमारे लिए आवश्यक है कि हम इसके गुणों को दस्तगत रखते हुए उन सारे कामों को करें कि हम इससे निजात पा सकें, इसके जो खराब गुण हैं जिससे हमें परेशानी होती है उनसे हम दूर रह सकें। एक चीज़ और है कि हर एक वायरस का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, किसी का 2 दिन है, किसी का 5 दिन है, किसी का 10 दिन है। अभी तक जानकारी के मुताबिक कोरोना के वायरस का जो लाइफ साइकिल है वो 14 दिन का है। 14 दिन में ये स्वतः समाप्त हो जाता है, इसी हमें इसके चोन जो इसका चेन है, कोरोना की जो चेन चल रही है उसको हमें तोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कोरोना जो है 1 मीटर से अधिक संक्रमण नहीं फैला सकता है, जहाँ पर मौजूद है उसके 1 मीटर के दायरे में ये अपना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि 2 गज की दूरी आवश्यक है। इसका संक्रमण विशेष तौर पर श्वास के सिस्टम पर होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कोविड वायरस का असर होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से मतलब ये कि ये जब हम छींकेंगे या खांसी आएगी, इस तरह का कोई सिम्टम होगा तो उससे ये फैल सकता है।
इससे बचाने के लिए आवश्यक है कि हम मास्क लगा के रहें, ये हमारे लिए भी फायदेमंद है और दूसरों के लिए भी फायदेमंद है। तो हमें अपने व्यक्तिगत बचाव के लिए मास्क पहनना आवश्यक है और सोशल डिस्टेंसिंग जो 2 मीटर की होनी चाहिए वो आवश्यक है। यद्यपि सोशल डिस्टेंसिंग के शब्द से मैं सहमत नहीं हूँ, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है, सामाजिक डिस्टेंसिंग की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक तौर पर हम मानसिक तौर पर जुड़े रह सकते हैं, लेकिन फिजिकल तौर पर भौतिक आधार पर जुड़ना हमारे लिए खतरनाक होता है। इसे ये टर्मिनोलॉजी, ये जो शब्द है, उसके मेरे विचार से उसमें सामाजिक दूरी की बजाय भौतिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे फिजिकल डिस्टेंस हो और चाहे सोशल डिस्टेंस हो, हमें ऐसी दूरी बना के रखनी है कि कोरोना हमें संक्रमित ना कर सके। जब हम ये 2 चीज़ों का पालन करेंगे तो कोरोना हमारे पास आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मनुष्य ऐसा है जिसके हाथ पांव होते हैं, पैर से चलता है, 2 हाथ फ्री लिम्ब है, जो एक विशेषता है मानव की, ये विशेषता है कि उसके बाद 2 स्वतंत्र आर्म है, इसीलिए ये अधिक विकसित है, अधिक काम कर सकता है। 2 हाथ हमेशा स्वतंत्र हैं, काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। उस हालत में जब हम काम करते हैं, किसी चीज़ छूते हैं, तो हमारे हाथों में भी वायरस आ सकता है, और वायरस हमारे हाथों में अगर आ गया है तो उसको दूर करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह का तात्पर्य है 30 से 45 सेकंड के बीच में इसको अच्छी तरह से रगड़ कर हम हाथों को साफ करें। इसके अलावा हमारे पैरों में जूते होते हैं, चप्पल होते हैं, उनमें भी वायरस आ सकता है। तो जब भी हम घर पर जाएं तो अपने जूते को, अपनी चप्पल को घर से बाहर उतार कर जाएं। फिर भी हो सकता है घर के अंदर भी वायरस चला जाए, अगर घर के अंदर वायरस जा रहा है तो उससे भी हमें सुरक्षा की आवश्यकता है। तो घर में सुरक्षा करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम घर को सैनिटाइज करें। घर को सैनिटाइज करने के लिए सामान्यतः सभी लोग अपने घर की सफाई जब करते हैं तो डिटॉल से अथवा फिनाइल से पोछा लगवाते हैं, लेकिन फिनाइल और डिटॉल से पोछा लगाया जाता है उससे जर्म्स, बैक्टीरिया ये सब तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वायरस से मुक्ति नहीं मिलती है। वायरस से मुक्ति के लिए आवश्यक है कि हम सोडियम हाइपोक्लोरेट के 5% के सोल्यूशन से अपने घर को साफ करें। हम इसे स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने हाथों को जब भी हम किसी चीज़ को छूते हैं सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। ये सैनिटाइज़र अल्कोहल बेस्ड होने चाहिए। अब तो वैसे मार्केट में ऐसे भी सैनिटाइज़र आ गए हैं जो हर्बल सैनिटाइज़र के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जो प्रचलित हैं, प्रभावी हैं, वो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र हैं। इसमें भी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली है और हमारी स्किन को कम नुकसान करता है। तो इस प्रकार के अगर हम सैनिटाइज़र से अपने हाथ को जब भी हम कोई काम करते हैं, कुछ छूते हैं, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अधिक अगर आवश्यकता है तो हम ग्लव्स पहन कर काम कर सकते हैं। वैसे तो अगर हम हॉस्पिटल में या किसी ऐसी सेंसिटिव जगह पर होते हैं जहाँ की वायरस होने की संभावना ज़्यादा है, संक्रमण की ज़्यादा संभावना है, तो वहाँ पर काम करने के लिए हम PPE किट का भी इस्तेमाल करते हैं। ये तो रही हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा की बात। जब हम घर में जाते हैं तो भी हमें सारे प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। घर को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। जिस कार में जाते हैं, कार को सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। ये कार्य तो सरकार करती है, लेकिन अगर हम अपने व्यक्तिगत ट्रांसपोर्ट से कहीं जाते हैं तो उसको हमें सैनिटाइज करना पड़ता है। इसके अलावा हमें और प्रिकॉशन की भी आवश्यकता है। वो ये है कि जैसे हम कम से कम बाहर जाएँ, आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर जाए, फालतू में हमें ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ वाले जगहों पर ना जाएं, प्रयास करें वहाँ पर ना ही जाएं, और अगर जाएं भी तो थोड़ा इंतजार कर लें, धीरे से समय रहते हुए डिस्टेंस बनाते हुए कार्रवाई करें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये पुरानी कहावत है।
अगर हम बचाव करेंगे तो हमें क्योर की आवश्यकता नहीं होगी। अभी तक तो इस वायरस का कोई क्योर नहीं हुआ है। वायरस में ये विशेषता होती है कि वो म्यूटेशन कर लेता है, तो जब म्यूटेशन कर लेता है तो दवाई बनना बहुत मुश्किल काम है। अगर दवा बनेगी भी तो अगली बार वह दवा प्रभावशाली नहीं होगी, उस दशा में आपको दवा लेने का कोई फायदा नहीं होगा। अभी अभी एक स्ट्रेन तो आ चुका है कोविड का, एक स्ट्रेन मतलब बदले स्वरूप में आ चुका है, लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, तो हमारे जो अभी तक के संसाधन हैं उनसे हम उस पर रोकथाम लगा सकते हैं। अब तो वैक्सीन भी आ गई है, वैक्सीन हिंदुस्तान में दो तरह की वैक्सीन चल रही हैं, कोवैक्सीन और कोशील्ड। दोनों वैक्सीन लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों, बल्कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है। अभी तक जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। अभी वैक्सीन आई है, ये कितना प्रभावी होगी ये आगे आने वाला समय बताएगा, ये समय के गर्त में छुपा हुआ है, फिर भी कुछ ना कुछ तो प्रभावी होगी ही। और जहाँ तक दवा का सवाल है, अभी तक इसकी दवा नहीं बनी है, तो जब तक दवा नहीं बनती है तब तक हमें प्रिकॉशन लेना है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है, ताकि हम इससे लड़ सकें और कोरोना को प्रभावी ढंग से हमें कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि हम अपना स्वतः अपना डिसिप्लिन बनाए रखें। इसके अलावा अपना इम्यूनाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग रखें, हम ऐसी चीज़ें खाएं जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती हो, जब हमारा शरीर इतना मजबूत होगा जिस पर कोई वायरस असर नहीं कर सकता। तो हमारे पास 2 चीज़ें हुई, एक तो हम प्रिवेंशन करें और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, इन 2 चीज़ों से ही हम कोरोना के साथ रह सकते हैं। जब इतनी चीज़ें हम फॉलो कर लेते हैं तो कोरोना से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमें प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। कोरोना खतरनाक है, दोबारा फिर आ चुका है, इसी हमें सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है, अपने अंदर संयम बरतना है और जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, मास्क को जरूर लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने आप व्यापारिक प्रतिष्ठान और जो भी उद्यम हैं उनमें कैसे सुरक्षा करेंगे, क्योंकि उद्यम चलाने के और बहुत सारे आयाम होते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इन्वेंट्री होती है, बाहर लाना ले जाना होता है, बहुत सारे लोगों से संपर्क होता है, उनसे हम किस तरह से बचेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे ताकि हम कोरोना की महामारी से अपने व्यवसाय को बचा सकें, अपनी हम इकोनॉमी को ठीक कर सकें, ताकि कोरोना भी रहे और वो रहेगा ही। प्रकृति में इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको हम नहीं जानते और कभी भी वो किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। मानव भी इसी प्रकृति का अंग है, इसीलिए हमें आवश्यक है कि उनके साथ जीना सीखना हो और मानव के पास जो बुद्धि दी हुई है, जो 2 फ्री लिम्ब दिए हुए हैं, जो 2 आर्म फ्रीम हैं, उनके साथ ही हमें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इन सब चीज़ों के साथ जीना है, प्रकृति के साथ रहना है, प्रकृति के नज़दीक रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आगामी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम अपने और कामों को करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।